इसके लिए सर्वप्रथम मैंने टमाटर कट कर लिया, जैसे आपने टमाटो मैंने कट कर लिया है, एंड मिर्च कुछ ट्रायंगल शेप में कट किया है, एंड प्याज कट कर लिया है। ये जो हमारा जो है, हम जैसे देख पा रहे होंगे जो ये बैंगन है, एंड आलू को मैं पानी में ही इसे केवल पका रहा हूँ। कंप्लीट पक जाएगा तो इसको मैं बाहर निकाल कर फिर मैं मसाले बनाऊँगा इसका। मसाले बनाने के बाद फिर मैं अगला प्रोसेस बताता हूँ। सो गाइस, हमारा जो ये बैंगन जो आलू है सिंपली अब ब्रिंजोल जो है इसमें पक चुका है, इसको मैं निकालूंगा। यहाँ मैं जैसे देख पा रहे होंगे मेरे पास मूँगफली है, आज मैं मूँगफली डाल के सब्जी बनाऊंगा। जैसा कि आप थंबनेल देखा ही होगा, ये मेरे पास मिक्सी नहीं है, तो मैं इस मूँगफली को मैं काफ़ी अच्छा से मतलब बेलन की सहायता से उसको मैं कूट लिया हूँ। कूटने के बाद बढ़िया से बन गया है जैसा मुझे चाहिए, एंड इसको मैं कब डालूँ बताता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। सो गाइज, मैंने वो जो जो जिस सब्जी को मैं बॉईल करा था पका, वो पक चुका है, मैं उसको निकाल हुआ। इसमें अब मैं वो कढ़ाई को मैं बढ़िया से वॉश कर लिया हूँ। अब मैं आवश्यकता में जिसमें मुझे ऑयल चाहिए उतना मैं सरसों ऑयल डालूंगा इसमें, इतना मुझे ज़रूरत हो। एंड मैं डालने के बाद इसमें अब जीरा डालूंगा। अभी मैं इसमें ऑयल डाल रहा हूँ, ऑयल थोड़ा मैं गर्म होने तक वेट करूँगा, गर्म होते ही मैं इसमें जीरा ऐड कर दूँगा। लगाए बैठे जो होगा देखा जाएगा। सो मेरे साथियों, यार हमारा जो सब्जी है जो पक चुका है, सिंपली इसको पकाना नहीं है, हमें वो मसाला बनाना है। मसाला पका इसमें डाल के उसके बाद हम जो मैं सब्जी बैगन पकाया हूँ उसके बाद मेहमान मूँगफली डाल देंगे और सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टअप एंड लेट्स गेट विद मी। अब इसमें प्याज ऐड करूंगा, हमारा जो जीला है वो ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें मिर्च है प्याज ऐड कर लिया हूँ, और इसको थोड़ा मैं ये जो है प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर दूंगा। सो गाइस, हमारा जो प्याज है ब्राउन हो चुका है, सिंपली इसमें जो भी मैं टमाटर ऐड किया हूँ, टमाटर थोड़ा अधिक क्वान्टिटी में लिया हूँ, क्योंकि टमाटर के हमने जूस हमें ग्रेवी बनाना है, इसलिए थोड़ा मैं अधिक क्वान्टिटी में लिया हूँ, एंड इसमें टमाटर ऐड कर दूंगा। थोड़ा इसको हल्का सा कुछ एक मिनट तक पकाता हूँ, उसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगा। सो गाइस, मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया हूँ, एंड अब इसको मतलब थोड़ा ग्रेवी बनाऊंगा इसका, और अब कुछ समय के बाद इसको एक मिनट के बाद इसको पकाऊंगा, उसके बाद मैं हल्दी या मसाले डाल दूंगा ताकि हमारे मसाला भी पकाना है। उसके बाद जो भी हमारे मेन मटेरियल ये है जो हमारा आलू बैंगन है, इसको मैं ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद फिर लास्ट में मैं मूँगफली के जो आपको मतलब बनाया हो ना पाउडर है, इसमें पानी डाल के घोल बना दूंगा। पकने के बाद मैं कम्प्लीटली हमारा सब्जी बन के रेडी हो जाएगा। सो लेट्स गेट। सो गाइस, मैं इसमें मसाला जो है समय मैं इसमें ऐड कर लिया हूँ, इसको मतलब भी मसाले तब तक पकाऊंगा जब तक कि मतलब इसमें जो मसाले इसमें से तेल ना छोड़ने लगे। सिंपली इसको मीडियम फ्लेम कर दिया हूँ, मैं सिंपली इसको पका रहा हूँ, बस आप कुछ क्षण वेट कर लीजिए, मैं अगला प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, हमारा जो मसाले है बिल्कुल पक चुका है, देखिए बिल्कुल तेल अलग हो गया है। अब सिंपली मैं इसमें मूँगफली डालूंगा, मूँगफली को तरह से पकाऊंगा। इसे मसाले कोई विशेष मसाले इसमें ऐड नहीं किया हूँ, केवल सब्जी मसाले हैं एंड गरम मसाले हैं और मैगी मसाले मैं 2 पैकेट डाल रहा हूँ बस। आप डालें, ओके, थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ अगला प्रोसेस में। सो साथियों, मैं इसमें जैसा कि देख पा रहे होंगे इसमें सारे मसाले मैं ऐड कर दिया हूँ। मूँगफली के जो मैं एक पेस्ट बनाया था वो भी पेस्ट मैं इसमें ऐड कर लिया हूँ। सिंपली 1 से 2 मिनट तक मैं इसे मूँगफली के पेस्ट को पकाऊँगा, उसके बाद मेन जो मटेरियल बनाया हूँ बैंगन जो आलू का सब्जी है मैं इसमें ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद मुझे 5 से 6 मिनट तक उसको भी पकाना है इसी में, ताकि इसका जो प्रभाव है, इसका जो इम्पैक्ट है उस मतलब वेजिटेबल में पड़ सके। ओके, थैंक यू, मैं बस 1 मिनट तक इसको पकाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अगला प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, हमारा जो पक चुका है जो मूँगफली है बिल्कुल पक चुका है, मतलब बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसमें पानी वाटर में ऐड करूँगा, मैं उतना अनुसार ऐड करूँगा जितना वाटर में वो सब्जियों में जो एक्स्ट्रा सब्जी में बनाया है वो वेजिटेबल वो पक सके। सिंपली मैं वाटर ले रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए कि इसमें जो वाटर वो वर्म है ना कि ठंडा वाटर में डालिएगा, मेरे पास वर्म वाटर में डाल रहा हूँ।
सो गाइस मैंने इसमें वार्म वाटर में ऐड कर चुका हूँ, इनमें जो बस हल्का सा जो बॉयल होगा इसमें मैं सब्जी ऐड कर दूंगा। इसको कुछ समय तक 5 से 6 मिनट तक सारे सब्जी भाई सारे वेजिटेबल को पकाऊंगा मैं। पकाने के बाद जो ही हमारा ग्रेवी हमारे आवश्यकता अनुसार हो जाएगा, नीड जितना मुझे नीड है मैं फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा। सो गाइस मैं इसमें सब कुछ मैं ऐड कर चुका हूँ, मैं सारे सब्जी ऐड कर दिया। वो जैसे देख पा रहा हूँ कितना सुंदर कलर दिख रहा है, आप खाएंगे तो बिल्कुल आप जीभ लगेंगे, सॉरी आप उंगली लगेंगे, चाटने लगेंगे। सो बस थोड़ा हमारा जो ग्रेवी जितना मुझे चाहिए उतना हो जाएगा, मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास जो धनिया पत्ता है मैं धनिया पत्ता कट गया हूँ, इसमें धनिया पत्ता मैं डाल के कंप्लीट हमारा सब्जी रेडी हो जाएगा। सो आप कुछ क्षण तक वेट कीजिए, मैं इसका आपको टेस्ट चख के बताता हूँ। ओके सो गाइज हमारा जो सब्जी है बस कुछ ही क्षणों में रेडी होने वाला है, बस मैं कुछ क्षण में निकाल के मैं इसका टेस्ट आपको चेक के बताता हूँ, क्योंकि आप धैर्य बनाए रखें। सो गाइज हमारा जो वेजिटेबल है बन के रेडी हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा जो ग्रेवी का कंसिस्टेंसी है बहुत बढ़िया है, हमको इतना ही रखना है। अब इसमें हम फ्लेम को हल्का सा लो करेंगे, लो करने के बाद इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे एंड उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगा। हमने सब्जी कंप्लीट बना लिया है, आइए हम लोग मतलब खाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे देश में बैंगन और आलू की सब्जियों के लिए बहुत ही मानसिकता मतलब गलत है, लोग बहुत पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात कि आप गूगल पर भी आप जब आप सर्च करेंगे ना बैंगन और चाहे गूगल बैंगन आलू की सब्जी ना, तो इसकी रेटिंग सबसे कम है, दुनिया के सबसे घटिया सब्जी में बैंगन आलू की सब्जी आता है। सो ऐसा नहीं है, हमें और आपको बनाने नहीं आता है, तो बैंगन आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। आइए मैं बहुत अच्छी तरह से बनाता हूँ और मैं इसको खाकर और टेस्ट करके मैं कम्प्लीटली आपको बताऊंगा कितना अच्छा लगा। यदि आप मेरी विधि से मेरे जैसे मैं उस विधि से बनाएंगे तो आप भी डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप भी उंगली चाटेंगे। ओके थैंक यू सो मच। जैसा कि साथियों देख पा रहे हैं कितना सुंदर कंसिस्टेंसी है, कितना सुंदर दिखने में लग रहा है, लाइक कोई पनीर की सब्जी है। आइए मैं इसको सर्व करता हूँ। जैसे कि मैं चावल ले लिया हूँ यानी सब्जी लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। सो साथियों मैंने अभी मैं इस मतलब जो वेजिटेबल बनाया है उसमें चखा, मैं आपको मतलब झूठ नहीं मतलब आपको मतलब यदि बिलीव होता आप मतलब यकीन करें कि इतनी अच्छी सब्जी लग रही है कि मैं आपको मतलब तारीफ में किसका कितना करूँ, जितना उतना कम होगा। सो आप इस विधि से बनाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। ओके थैंक यू सो मच, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।